हेलो दोस्तों, गेको'स गैरेज में आपका स्वागत है। आज का दिन एकदम शांत है, इसलिए हम गैरेज की सफाई कर रहे हैं। हाँ, ये अजीब सी आवाज कैसी है? अरे बॉबी द बस, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आ जाओ, देखते हैं तुम्हें क्या हुआ है। अरे बाप रे, बॉबी की तबीयत बहुत ही खराब है। चलो देखते हैं कि क्या किया जाए। शायद तुम्हारे रेडिएटर को पानी की जरूरत है। चलो जाओ मैकेनिकल्स। आओ, नहीं ये तो सही नहीं है। आओ, 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 आओ। एक मिनट रुको। आहा, बेचारे बॉबी का ऑयल लीक हो रहा है। ऑयल से इंजन बिल्कुल ठीक तरह से चलता है, हम इसे ठीक कर सकते हैं। हमें लीकेज की जगह पता चल गई है। तुम्हारे पाइप से ऑयल लीक हो रहा है। ग्रीन छेद को बंद कर देगा अच्छी तरह पाइप को वेल्ड करके, और प्लास्टर तुम्हारे आउची को साफ रखेगा। हुर्रे, वेल डन ब्लू, वेल डन ग्रीन। अब कैसा लग रहा है बॉबी? एक और हैप्पी कस्टमर। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे गेको'स गैरेज में। बाय। गेको'स गैरेज में आपका स्वागत है दोस्तों। हम अभी अपना इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम लगा रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है कोई मुसीबत में है। चलो चलो टिली टो ट्रक। ये तो एरिक द एक्सकेवेटर है। लगता है ये चट्टान से टकरा गया है। देखो, इसका कैटरपिलर ट्रैक टूट गया है। ओह ब्लू, जानता हूँ तुम्हें तूफान से डर लगता है, पर तुम्हारी मदद चाहिए। तुम हमारे लिए बहादुर बनोगे? ओह, मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहा, और मैं बड़ा होने की वजह से वहाँ नहीं जा पा रहा। हाँ? ओह ब्लू, हमें इसे जल्दी ठीक करना होगा। लगता है वो बांध टूटने वाला है। ब्लू इतना छोटा है कि उसके अंदर फिट हो सकता है। शाबाश ब्लू, तुम सच में बहुत बहादुर हो। ओह नहीं, ये बांध बस टूटने ही वाला है। जल्दी करो ब्लू। शाबाश ब्लू, तुमने अपने डर का सामना किया, और वो देखो एक रेनबो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय। आज काफी जल्दी आ गया रिक। मैकेनिकल्स, एरिक को अपनी मरम्मत करवानी है। चलो उठो आलसियो, रात भर चार्ज करने के बाद भी तुम एक्टिव क्यों नहीं होते हो? चलो एरिक की मरम्मत कर दो ताकि वो काम पर जा पाए।
समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें आज हो क्या गया है। वाह, तुमने ठीक कहा एरिक, इनकी चार्जिंग रात भर ऑफ थी, शायद इसलिए थके हुए लग रहे हैं। चलो सारे आलसियों, चार्ज होने का वक्त आ गया है। ओ चेकमेट, ये ओके मैकेनिक साथियों, अब तुम तरोताजा हो गए हो, तो काम खत्म करें। हो गया एरिक। जल्दी ही आपसे गैको के गैरेज में फिर से मिलेंगे। मैकेनिकल्स, तुम सब अच्छे दिख रहे हो, हेलोवीन के लिए सब तैयार हैं। तिली भी इसमें शामिल हो रही है। क्या बात है ग्रीन, क्या बाहर एक मॉन्स्टर है? मैं बाहर जाके देखता हूँ। मैकेनिकल्स चिंता मत करो, मॉन्स्टर जैसी कोई चीज नहीं होती है। हेलो हेलो, क्या तुम ठीक हो दोस्त? अंधेरे में से बाहर आओ। ओह डियर मैक्स, तुम्हें हेलोवीन सफाई की जरूरत है, आओ कार वॉश में चलते हैं। मैकेनिकल्स चिंता मत करो, याद रखो कोई मॉन्स्टर नहीं है। क्या तुम तैयार हो मैक्स? यहाँ आ जाओ मैक्स, अब और डरने की जरूरत नहीं। सभी को हेलोवीन मुबारक हो। ब्लू, ब्लू तुम कहाँ हो? हेलो दोस्तों, आज हम बाहर काम कर रहे हैं क्योंकि फियोना की सीढ़ी फंस गई है और वो बहुत ऊंची है। ओह, हमें तुम्हारे टायर भी चेक करने होंगे फियोना। ओह ब्लू, क्या कोई कार जैक लेके आएगा प्लीज? बहुत अच्छे रेड, मैं रिंच लेके आता हूँ। बाउंसिंग बॉक्स, फिक्र मत करो रेड, हम तुम्हें नीचे उतार लेंगे। ग्रीन येलो, एक चादर लेके आओ, मेरे पास एक आइडिया है। रेड, जब मैं कहूँ कूद जाओ तो कूद जाना, ठीक है? कूद जाओ।
ब्लू, वक्त है तुम्हारा हीरो बनने का। तैयार हो ब्लू? 3, 2, 1, गो। डरो मत, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। फ्यू, तुमने अच्छा काम किया ब्लू। हुर्रे, ब्लू है हीरो। चलो सुपर मैकेनिकल, फियोना की सर्विस खत्म करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे, बाय। देखो रैट, कैट आ गई है। हेलेना हेलीकॉप्टर पर हमने जो नए विंटर स्किड लगाए थे, उससे वो बर्फ पर आराम से उतर पाएगी। ईहा, तुमने कर दिखाया हेलेना। कैसी हो कैट? कैसे हो गेको? देखो राइट, गैरी और बैरी स्नोमैन बना रहे हैं। hey, हाँ, यकीन नहीं हो रहा है, वो सब दूर जा रहे हैं। चलो चलो टिली टो ट्रक। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, हम तुम्हें बचा लेंगे। हाँ, पकड़ लो कैरी। कैट, क्या तुम बैरी तक पहुंच सकती हो? हाँ बिल्कुल। चलो, बटन दबाओ रेड। हमने कर दिखाया। हाँ, काश हम स्नोमैन को भी बचा पाते। गेको? ओ, ये तो गेको है। कोई बात नहीं कैट, आखिर में हमें स्नोमैन मिल ही गया। या फिर स्नो गेको ही कह दो। गेकोस गैरेज में आपका स्वागत है। आज कितना सुहाना दिन है, इसलिए रेड छत पर जा रहा है। वो वहाँ जाकर हमारे नए सोलर पैनल की फिटिंग करेगा। ये सूरज की ऊर्जा को सोख लेंगे और इसे पूरे गैरेज के लिए बिजली में बदल देंगे। हेलो बॉबी। वाओ, ये तुम्हें क्या हुआ? बहुत गंदे दिख रहे हो, हमने तो कल ही तुम्हारी सफाई की थी। कोई बात नहीं, स्प्लिश स्प्लैश स्प्लॉश, एक्टिवेट करो गेकोस कार वॉश। हो गई सफाई, अब तुम चलने के लिए तैयार हो बॉबी? हाँ? ओ, तुम तो फिर से गंदे हो गए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लगता है तुम्हारी सफाई हाथों से करनी होगी। लो, हो गए साफ। तुम अपने रूट पर जा सकते हो बॉबी। अच्छा, इसलिए तुम गंदे हो रहे हो, तुम्हारा पुराना पेट्रोल इंजन। क्या तुम्हें एक नया और साफ सुथरा इलेक्ट्रिक इंजन चाहिए बॉबी? सोलर पैनल्स तैयार हैं? सोलर पैनल सूरज से ऊर्जा लेते हैं
और बॉबी को चलने के लिए क्लीन पावर देते हैं। हुरे! तो आप सबसे फिर मिलेंगे दोस्तों गेकोस गैरेज में। बहुत बेहतरीन हेलोवीन कॉस्ट्यूम मैकेनिकल्स, क्या तुम सब ट्रिक या ट्रीट के लिए तैयार हो? सॉरी मैकेनिकल्स, मुझे बेबी ट्रक का ऑयल चेंज करना है। तुम चलो, मैं आता हूँ। ट्रिक या ट्रीट? वाह, तुम्हें कोई मिठाई नहीं मिलेगी जब तक तुम मुझे नहीं डराओगे। और मुझे कोई नहीं डरा सकता। बकवास, मुझे लगता है कि मुझे इन सभी मिठाइयों को अकेले ही खाना पड़ेगा। तुम इतनी जल्दी आ गए? ओह, आई एम सॉरी मैकेनिकल्स। रुको, क्या बात है बेबी ट्रक? ये एक अच्छा आइडिया है। फिर से कोई ट्रिक या ट्रीट्स के लिए आया होगा। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं नहीं करना चाहता। बहुत अच्छा बेबी ट्रक, उसे हेलोवीन का डर मिल गया है। हैप्पी हेलोवीन। काम हो गया मैकेनिक साथियों, आज क्रिसमस है और गैरेज बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तुम सबको पता है कि तुम्हें सेंटा से क्या चाहिए? ओ, तुम्हें नहीं पता ब्लू? ठीक है, जल्दी फैसला करो, सेंटा किसी भी वक्त आते होंगे। वाह, मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी आएंगे। हेलो सेंटा। गेको, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे हिरन बीमार है, मेरी स्लेह उड़ नहीं सकती तो मैं आसमान में उड़ नहीं सकता, और अगर मैंने तोहफे नहीं पहुंचाए तो इस दुनिया में लड़के और लड़कियां क्रिसमस नहीं मना पाएंगे। हाँ, फिक्र मत कीजिए सेंटा, हम इसे उड़ाएंगे। आइडिया। के साथियों ने बचा लिया क्रिसमस, तो ये लो एक एक तोहफा तुम सब के लिए। हाँ, मुझे यही तो चाहिए था। थैंक यू सेंटा। तुमने फैसला कर लिया है कि तुम्हें क्या चाहिए? हो, तुम मेरे स्ले पर सवारी करना चाहते हो, तो फिर आ जाओ, चलते हैं खुले आसमान में।
हो हो। गेको के गैरेज की ओर से आप सबको मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। ओह हेलो दोस्तों, विकी द आइसक्रीम ट्रक यहाँ रिपेयरिंग के लिए आई है। हमारा काम बस खत्म ही होने वाला है। थैंक्स येलो। क्या तुम स्क्रू ड्राइवर ला सकते हो? ध्यान से मैकेनिकल्स, उस पाइप के अंदर बर्फीली हवा है, इससे विकी अपनी आइसक्रीम फ्रीज करती है। येलो, उस बटन को मत छूना। थैंक्स मैकेनिकल्स, तुमने मुझे बचा लिया। चलो अब चल के विकी को ठीक करते हैं। शुक्रिया विकी, बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गेको और हम जा रहे हैं अपने घर। हाँ? वो तो बेबी ट्रक है। क्या हुआ बेबी ट्रक, क्या तुम्हारा डमी खो गया? परेशान मत हो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। चलो चलो मैकेनिकल्स। उन लाल फूलों के आसपास ढूंढो। तुम्हें कुछ दिखाई दिया? उन हरी झाड़ियों में देखो। क्या कुछ दिखाई दिया? वो जरूर यहीं कहीं होगा। I'm sorry, baby truck. मुझे तुम्हारा डमी कहीं दिख नहीं रहा। ब्लू, शाबाश, तुमने ढूंढ ही लिया। ये लो बेबी ट्रक। अंत भला तो सब भला। मदद के लिए शुक्रिया दोस्तों। बाय। तो मैकेनिक दोस्तों, मैक्स चाहता है कि वो बेहतरीन तरीके से कूद पाए, तो हमें उसके इंजन को अपग्रेड करना होगा। ब्लू, जरा देखो दरवाजे पे कौन है। कौन है ब्लू?
उम्मीद है तुम्हें मेरा तोहफा पसंद आएगा, केको। ये क्या है? एक तोहफा? पता नहीं किसने भेजा होगा। वाव! एक नया कार जैक। टेस्ट करके देखता हूँ। जैक में मैंने स्प्रिंग लगा दी है, इसलिए जैक वो नहीं करेगा जो उसे करना चाहिए। थैंक्स मैकेनिकल दोस्तों, मुझे लगा कि कार जैक टूट गया होगा शायद। एक मिनट जरा। ओके मैक्स, अब ट्राई करके देखो। हर चीज की एक खास जगह होती है। बहुत अच्छे दोस्तों। उच्ची। लो हो गया एरिक, अब तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक है। मैकेनिक साथियों, ये क्या कर रहे हो? ओ, अच्छा, पायरेट्स का खजाना ढूंढ रहे हो क्या? कैसे हो मेरे साथियों? अब ये आवाज कैसी थी? एरिक को शायद कुछ मिला है, शायद बहुत बड़ा खजाना। नहीं, ये सब क्या है? येलो, हो सकता है ये सोना ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि खजाना ही ना हो। एक पुरानी रेलवे हाथ गाड़ी है, पर कुछ कमी जरूर है इसमें। अरे वाह, एरिक को पुरानी पटरियां मिल ही गई। अब कोशिश करके देखो साथियों। देखा, सिर्फ इसीलिए कि कोई चीज सोना और चांदी नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि खजाना नहीं है। बहुत खूब साथियों। तुमने सही कहा ग्रीन, वहाँ आग लगी है। ऐसा लग रहा है फियोना फायर ट्रक आ रही है। ओ नहीं, मम्मी और बेबी ट्रक साथ में रेसिंग कर रहे हैं और फियोना का सायरन उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। फियोना, लगता है तुम्हें एक तेज आवाज वाला सायरन लगाना होगा। चलो मैकेनिकल्स, चलो फियोना का नया सायरन लगाते हैं। हाँ ऐसे ही, बस हमें एक अच्छी सी नी नौ आवाज चाहिए।
काम हो गया। शुरू हो जाओ फियोना। ये तो ठीक नहीं है, ये तो डोरबेल की आवाज है। फिर से ट्राई करते हैं। अरे ये तो डायनासोर की आवाज है। हमें चाहिए नीनो। हाँ ये नीनो है, पर इसकी आवाज तेज होनी चाहिए। ट्रैफिक में हमें तेज आवाज चाहिए। येलो सायरन की आवाज तेज करो ताकि वो सुनाई दे। अब आई ना नीनो की तेज आवाज। बाय फियोना, गेकोस गैरेज में आने के लिए शुक्रिया। हेलो दोस्तों, गेकोस गैरेज में आपका स्वागत है। आज हम बॉबी द बस का चेकअप कर रहे हैं। बस होने ही वाला है। रुको, मैकेनिकल्स, मैं अभी भी बस के ऊपर हूँ। बॉबी, बॉबी, ओ डियर, वो मुझे सुन नहीं सकता। मैकेनिकल्स, जल्दी करो, मुझे यहाँ से निकालो। वो देखो, सामने एक ब्रिज है। बॉबी तो बहुत तेज जा रहा है। अरे वो देखो, एक ऊंचा ब्रिज। यही सही वक्त है मैकेनिकल्स, अगर मैं इसे पकड़ सकूं। छूट गया, अब क्या करूं? बहुत अच्छे येलो, तुमने मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं बॉबी, तुम्हें मालूम नहीं था और किसी को चोट भी नहीं लगी। मदद के लिए शुक्रिया मैकेनिकल्स, मैं तुम्हारे बिना क्या करता। बाय। हेलो दोस्तों, आज काफी बिजी दिन है। बेबी ट्रक और मैक्स द मॉन्स्टर ट्रक का टायर बदलना है, लेकिन मैक्स है कहाँ? ओह हेलो मैक्स, चलो चलो मैकेनिकल्स। येलो, नहीं, येलो का सर दीवार से लग गया। अब जिम्मेदारी तुम्हारी है रेड और ब्लू। लगता है गड़बड़ हो गई। जल्दी आओ येलो। लगता है टायर्स की अदला बदली हो गई। कोई बात नहीं, गलतियां हम सबसे होती हैं। हमें बस टायर्स वापस लगाने हैं। ओ फिक्र मत करो मैक्स, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। यक। बेबी ट्रक, जानता हूँ तुम्हें मजा आ रहा है, लेकिन वो मैक्स के टायर्स हैं, तो हमें उन्हें वापस करना है।
बहुत अच्छे बेबी ट्रक, बहुत जरूरी है चीजों को लेने के बाद उन्हें वापस करना। आपसे फिर मिलेंगे, बाय। ओ मैकेनिकल देखो, ये है ट्रक फैमिली। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये बहुत अच्छी नाव है बेबी ट्रक जो तुमने बनाई है। ओ नहीं, एक टायर। ये बेबी की नाव की तरफ आ रहा है, देखो। थैंक्स मामा। अब हम इस टायर को रिसाइकल करते हैं। हे, देखो इतना कचरा। ये सारा कचरा ऊपर की तरफ से आ रहा है। चलो चलें। तुम यहीं रुको येलो, नाव की रक्षा करो। इतना ज्यादा कचरा, आखिर ये कौन कर रहा है? मिस्टर वीजल, ये क्या कर रहे हैं? ओ, गेको, मैं अपने सारे कचरे से पीछा छुड़ा रहा हूँ। इसके टायर फंस गए। तुम्हें नदी में कचरा नहीं डालना चाहिए मिस्टर वीजल। ओ नहीं, वो बेबी ट्रक और बोट की तरफ सीधा जा रहा है। आपको नदी में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, यह नदी को गंदा कर देता है। आप बेबी ट्रक की बोट को लगभग बर्बाद करने वाले थे। एक बोट? मैं तब से बोट से नहीं खेला जब मैं छोटा वीजल था। मेरे पास एक आइडिया है। हम इस कचरे को रिसाइकल करते हैं, पुरानी चीजों से चमकदार नई चीजें बनाएं। मैं आपको दिखाता हूँ। पता का फेराओ, देखो यह अच्छा जहाज आ रहा है। वीजल की बोट आगे बढ़ो, ये बहुत मजेदार है। नदी एक बार फिर साफ हो गई है। दोबारा मिलते हैं, बाय। ये लो एरिक, अब तो ठीक है ना? ये क्या था? ओ, ये तो मैक्स द मॉन्स्टर ट्रक है। उसे यहाँ नहीं खेलना चाहिए। कंस्ट्रक्शन की जगह सुरक्षित नहीं है। देखो मैक्स कितना नुकसान कर रहा है। नहीं, मैक्स का फ्यूल खत्म हो गया। हमें उसे निकालना होगा इससे पहले कि कंक्रीट सूख जाए। जाओ मैकेनिकल्स, जल्दी से पेट्रोल लेके आओ। ओह डियर, ये कंक्रीट तो बहुत जल्द सूखने वाला है। समझ नहीं आता अब हम ये पेट्रोल मैक्स तक कैसे पहुंचाएंगे। एरिक ने एक ब्रिज बना दिया। ओ, 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 ओ,
कंक्रीट सूखने ही वाला है। चलो मैक्स चलो। लगता है मैक्स को उसका सबक मिल गया। थैंक्स एरिक, तुमने अच्छा काम किया। अगली बार फिर मिलेंगे। बाय। थैंक्स रेड। आज बहुत ज्यादा गर्मी है। उधर देखो, बेबी और माँ पिकनिक के लिए जा रहे हैं, लेकिन बेबी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो बेबी ट्रक, आओ तुमको देखते हैं, पता लगाते हैं क्या गड़बड़ है। तो ये प्रॉब्लम है, तुम बहुत गर्म हो गए हो। मैकेनिकल जल्दी थोड़ा पानी लेकर आओ। ओहो, तुमने ठीक तरह से पानी नहीं पिया है ना बेबी? जब बहुत ज्यादा गर्मी हो तो हमें ढेर सारा पानी पीना चाहिए। अब बेहतर है, पर मेरे ख्याल से तुम अभी भी गर्म हो। आहा, समझ आ गया। कार वॉश के टेम्परेचर को बहुत ठंडा कर दो रेड। ही, चलो अंदर जाओ बेबी ट्रक, अब ठंडा होने का समय है। अब सब ठीक है, अब तुम पिकनिक पर जा सकते हो। तुम्हारा समय अच्छा गुजरे। बाय। स्क्रू ड्राइवर की कसम मैकेनिकल साथियों, दरवाजा पूरी तरह से फंस चुका है। आवाज तुमसे ही आ रही है टिली। देखो ये तो ट्रिपल ट्रैक्टर है। ओ, लगता है मुझे तुम्हारी जरूरत है। चलो मेरे साथियों। मुझे यकीन नहीं होता है कि काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हारे गियर को मरम्मत की जरूरत है, इसलिए तुम्हारे गियर को ऑयल की जरूरत है और दादी गैको का बड़ा और ताकतवर रेंच है। उठाने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। हाँ देखो ये अब बिल्कुल ठीक है। अब कॉक्स एकदम बढ़िया हो गई है। अब ट्राई करो ट्रेवर। भारी सामान उठाने के लिए ट्रैक्टर को अच्छे गियर की जरूरत होती है। शायद ट्रेवर अपनी ताकत से हमारी मदद कर सके। दोस्तों क्या बात है, बढ़िया काम किया टीम। हम जल्दी मिलेंगे ट्रेवर। बाय बाय। ये अच्छी खुशबू क्या है?
जी हाँ, हर ग्राहक के लिए एक फ्री कबाब। इससे मुझे और ग्राहक जरूर मिलेंगे। तुम अंदर जाओ एरिक। जल्दी से पको। कुछ जल रहा है क्या? पता नहीं इसको अब क्या हो गया। नहीं, मेरी खूबसूरत बारबेक्यू। फियोना, फायर ट्रक, यहाँ आग लग गई है। ये आवाज कैसी? जल्दी से उस आग को बुझाते हैं। जाओ जाओ मैकेनिकल्स। बचाओ बचाओ, जल्दी करो। ये क्या किया? उफ, माफ करना, पाइप उतनी दूर नहीं पहुंचेगा। अच्छा आइडिया है फियोना, आओ फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें। शुक्र है सब सही सलामत है, सभी ने अच्छा काम किया। जल्दी मिलते हैं, बाय। वाह, बहुत अच्छे मैकेनिक साथियों, साफ गैरेज ही हैप्पी गैरेज होता है। अजीब है, लगता है पावर चली गई। शायद सोलर पैनल में कुछ गड़बड़ी हो गई है। ओह डियर, सूरज की किरणें आना बंद हो गई है। पर ये कोई आम बादल नहीं है, हमें जांच करनी चाहिए। हाँ, अब कोशिश करो डिलिन। कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा इंजन तो ठीक से काम करना चाहिए। मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं। कैसे हो मिस्टर विल्सन, सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है गेको। मैं हार मानता हूँ। तो मुझे देखने दो डेलन। तो बुरी खबर ये है कि तुम्हारा इंजन निकालना पड़ेगा, पर अच्छी खबर ये है कि मेरे पास बिल्कुल नया इंजन है जो तुम्हारे और लोगों के काम आ सकता है। परफेक्ट। हमें सूरज की मदद लेनी होगी डेलिन के इंजन के लिए। जब तक हम डेलिन का नया इंजन इंस्टॉल कर रहे हैं, तब तक सोलर पैनल्स की बैटरी बिल्कुल चार्ज हो जाएगी। दिख रही हो डेलिन, गुड जॉब ग्रीन। क्लीन ग्राहक यानी हैप्पी ग्राहक, और साफ प्लेनेट यानी हैप्पी प्लेनेट। सही कहा ना? ओह हेलो दोस्तों, मैं और ब्लू बाहर जा रहे हैं गैरेज के लिए क्रिसमस ट्री लेने। ये तो बॉबी द बस है, वो फंस गया है। ओह, हॉट चॉकलेट से गर्माहट मिलेगी। आ,
चिंता मत करो बॉबी, हम तुम्हें जल्द ही बाहर निकाल लेंगे। कोई फायदा नहीं, हुक निकाल दो ब्लू, कोई और तरकीब देखते हैं। ओ नहीं, अब तो तिली भी बर्फ में फंस गया। ओ नो ब्लू, लगता है हम भी फंस गए हैं यहाँ। उदास मत हो ब्लू, कोई तो हमारी मदद करेगा। तब तक हमें ये हॉट चॉकलेट गर्म रखेगा। उप्स, देखो हॉट चॉकलेट से ये बर्फ पिघल गई। मेरे पास एक आइडिया है। ये काम आया। वहीं रुको बॉबी। You're welcome, बॉबी। लेकिन अब हम इस गिरे हुए पेड़ का क्या करें? आहा! Perfect! Merry Christmas, दोस्तों। बस हो गया फियोना, ये आ गई तुम्हारी नई सीढ़ी। कैट, आराम से। कैसे हो गेको? मैं और हेरन अपने लूप्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो हमारा कमाल। उसकी मदद करनी होगी, जल्दी से वो पहिए लेकर आओ। मुझे थोड़ा और नजदीक जाना होगा। कोशिश कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। नहीं, संभल कर गेको। ब्लू, वो स्किड्स को उठाओ। हाँ, एक आइडिया है मेरे पास। अभी ब्लू, शुक्र है, एक और बढ़िया लैंडिंग। मदद के लिए शुक्रिया गेको। कोई बात नहीं कैट, ये तो मेरा काम ही है। हेलो दोस्तों, एरिक द एक्सकेवेटर आया है सर्विस के लिए। हमें ये चेक करना है कि वो अपने खुदाई के काम के लिए फिट है या नहीं। कौन कौन मदद करेगा? तो मैं चूज करता हूँ येलो। मुझे पता है तुम्हें खेलना है, लेकिन गैरेज के काम में भी तुम्हें उतना ही मजा आने वाला है। सबसे पहले हम तुम्हारा इंजन चेक करेंगे एरिक, तो इंजन को जोर से चालू करो। तुम इससे बेहतर कर सकते हो एरिक। बढ़िया कैच येलो। वक्त है तुम्हारे कैटरपिलर ट्रैक को चेक करने का।
ये सर्विसिंग का आखिरी हिस्सा है एरिक। देखते हैं तुम्हारे डिगर आर्म्स कैसे काम कर रहे हैं। इनको ऑयलिंग की जरूरत है येलो। बहुत अच्छे एरिक, तुम सर्विसिंग का टेस्ट पास कर गए हो और अब खोदने के लिए बिल्कुल तैयार हो। तुम जाकर खेलोगे येलो। मैंने कहा था ना काम में मजा आएगा। आप सबसे फिर मिलेंगे कुछ और मजेदार कामों के साथ यहाँ गेकोज गैरेज में। हाँ शुक्र है कि अब तो बारिश बंद ही हो गई। अब हम मजे से पिकनिक मना सकते हैं। हेलो, मैं शहर में नहीं हूँ। कैट है मेरा नाम और बचाना है मेरा काम। मैं यहाँ सबको सुरक्षित रखने आई हूँ। हेलो कैट, मैं हूँ गेको और ये सारे मैकेनिकल्स हैं। हम सब पिकनिक मना रहे हैं, तुम शामिल होना चाहोगी? ओ, क्या तुम्हारे पास चिकन सैंडविच है? हाँ अगर है तो। तुम्हारे पास है क्या? मैं आ रहा हूँ। ओह नो, बहुत ज्यादा कीचड़ है। टिली फिसल कर दूर जा रही है। चलो हेलिना, किसी को बचाना है। मैं बच नहीं पा रही। संभल कर टिली, ध्यान से चला ब्लू। मैं पहुंच नहीं पा रहा। गेको, छतरी इस्तेमाल करो। बाल बाल बचे। चलो तुम फिर से साफ हो गए टिली। हमारी टीम का जवाब नहीं गेको। बिल्कुल सच कहा। मदद के लिए शुक्रिया कैट। ये तो मम्मी ट्रक और बेबी ट्रक है। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? सुरंग ब्लॉक है और आप जा नहीं सकते। मैं एक बार देखता हूँ। ओ, सुरंग ढह गई है। यहाँ से भी ढह गई। हम तो अंदर फंस गए। फिक्र मत करो, मेरे पास मेरी टूल किट है। हमें इससे बड़ी टूल किट चाहिए। इस चट्टान को तो टिली भी नहीं हटा पा रहा। अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? Wow!
मुझे नहीं मालूम था आप में इतनी ताकत है। मम्मी ट्रक ने हमारी जान बचाई। मैं एरिक द एक्सकेवेटर से कह दूंगा कि वो ये सारे पत्थर हटा दे। और ज्यादा फन और एडवेंचर के लिए आपसे फिर मिलेंगे गेकोस गैरेज में। इतना शोर शराबा कैसा? ओ, ये तो बैरी बस है। लगता है काफी जल्दी में है। तुम ठीक तो हो ना बैरी? हो, तुम्हें डर है ना कि तुम लेट हो जाओगे? लेकिन ऐसे तो तुम कहीं भी नहीं जा पाओगे। रुको, मुझे देखने दो। ग्रीन, मेरा सबसे अच्छा पाना लाओगे प्लीज? ओह ग्रीन, तुम्हें भी टेंशन हो रही है ना? मुझे ऐसा लगता है कि हमें गहरी सांस लेनी होगी। रुको, मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तुम एक गहरी सांस अंदर लो और फिर सांस बाहर छोड़ो। अब तुम ट्राई करो। अंदर, एक, दो, तीन, चार, पांच, छोड़ो। एक, दो, तीन, चार, पांच। तो बेहतर है ना? याद रखो, अगर टेंशन के वक्त गहरी सांस लोगे तो टेंशन कम हो जाती है। बाय बेरी। दारारादातीरू। ही, बहुत अच्छे साथियों। ये सब क्या हो रहा है स्क्रू ड्राइवर्स? लगता है कोई बहुत ज्यादा दुखी है। ओ देखो, ये तो मॉन्स्टर ट्रक और उसकी छोटी बहन मॉली है। हमें उसकी मदद करनी होगी। हेलो मैक्स, हेलो मॉली। हाँ, गोल झूले को ढीला करना होगा। फिक्र मत करो मॉली, ये फिर से घूमने लगेगा। देखो, ये तो ट्रक परिवार है। हेलो बेबी ट्रक, क्या तुम्हें पतंग उड़ाने के लिए मदद चाहिए? मुझे एक आइडिया मिल गया है। मैकेनिक साथियों, हमें थोड़ा तेल और पानी की जरूरत होगी। ठीक है मेरे साथियों, धक्का लगाओ। अरे इतना तेज नहीं। ओह ओह, नर्स की कसम, चक्कर आ रहे हैं। देखो मेरा प्लान काम कर रहा है या नहीं। तैयार मेरे साथियों, इस बार संभल कर। काम कर गया, बहुत बढ़िया साथियों। हाँ, सब बहुत खुश हो गए।